दोस्तों आज हम आए हैं एक ऐसे सोलर पैनल फार्म के ऊपर जहां पर डे 15,000 रुपए की बिजली जनरेट की जाती है और सीधे तौर पर गवर्नमेंट को बेची जाती है। कैसे ये बिजली जनरेट की जाती है, कैसे कोई भी किसान भाई या अन्य व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है, सारी जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ है रामाकांत जी। रामाकांत जी, सबसे पहले बताइए कि ये वाला जो फार्म है वो कहाँ पर है, एड्रेस दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, ये फार्म जयपुर ज़िले के कोटपुतली तहसील में ग्राम भालोजी में लगा हुआ है। ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना का पहला प्रोजेक्ट है राजस्थान में, जो जिससे सूर्य से लाइट बना करके बिजली बोर्ड को बेची जाती है। और ये कितने एरिया में लगा हुआ है फार्म, चलते चलते बात कर लेते हैं जी। ये 1 मेगावाट का प्लांट है, ये 3 एकड़ जमीन में लगा हुआ है। 3 एकड़ में। अच्छा, ये टोटल कुल मिला के जो प्लेट्स होंगी वो कितनी होंगी रामाकांत जी? सर ये सोलर प्लेट, टोटल सोलर प्लेट लगी हुई है, 3378 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। और एक प्लेट में क्या कितनी एनर्जी, मतलब कितने वाट की एक प्लेट होती है? एक सोलर प्लेट 330 वाट की लगी हुई है। अच्छा, क्या ये प्लेट्स कम ज्यादा एनर्जी की भी हो सकती है, कम ज्यादा वाट की भी हो सकती है? यस सर, ये छोटी बड़े साइज के हिसाब से होती है। कोई 330 वाट की होती है, 450 वाट की भी होती है, 550 वाट की भी होती है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज, मोनो क्रिस्टल भी आती है, पॉली क्रिस्टल भी है, ये पॉली क्रिस्टल लगी हुई है। अच्छा यस सर। अच्छा, इसमें अब मैं बात करता हूँ कि बिजली जनरेट कितनी होती है, कितना किसान भाई का या कोई भी व्यक्ति का खर्चा आ जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा आप। इस प्लांट की बात करते हैं टोटल लागत की, तो 1 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, कंप्लीट पूरा लागत इसका 3,70,00,000 रुपए है। इस प्लांट से महीने की 4 से 4.5 लाख रुपए एवरेजली इनकम हो जाती है। पूरे साल की बात करें तो 45 से 50 लाख रुपए इनकम हो जाती है। अभी इस प्लांट को लगे हुए पूरा 1 साल 1 तारीख को हो गया है, जिसमें इनको 45 से 50 लाख रुपए की इनकम हो चुकी है। अच्छा, ये आपने बताया कि 5 से 6 हजार पर डे निकलती है ना यूनिट? यस। अच्छा, एक यूनिट कितने रुपए की जाती है? 3 रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट। 3 रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट। ये आप गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट आपको ये इसका देती है, पे करती है गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट आगे कितना, मतलब उसको बेचती है? सर, गवर्नमेंट इसको कंज्यूमर को 8 रुपए से लेके 10 रुपए अलग अलग रेट्स हैं। कम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 10 रुपए 11 रुपए के हिसाब से भी पे करते हैं, और जो घरों में बात करते हैं तो 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए अलग अलग टेरिफ रेट्स डिसाइड कर रखी हैं। बट हमसे जो गवर्नमेंट लेती है वो 3 रुपए 14 पैसे पूरे 25 साल तक का एग्रीमेंट है, वो यही रेट देगा। 25 साल में इसमें कोई बढ़ोतरी भी नहीं होने वाली? नहीं, हमारे से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, वो किसानों को जो रेट देता है उसमें बढ़ोतरी, वो तो एक कर उनका सकता पर्सनल है। हो गया। यस। जो जैसे कोई भी अगर हम लगा रहे हैं तो वो 3 रुपए 14 पैसे ही मिलेंगे 25 साल तक। जी सर। अच्छा सर, अब इसकी बिजली जनरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, किस तरीके से ये बिजली जनरेट करता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो सारी चीजें बताइए। अब देख रहे हैं ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जी। ये सोलर पैनल्स की कुछ स्ट्रिंग बना करके एक निर्धारित सोलर पैनल्स, ये हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, इस इन्वर्टर से कनेक्टेड है ये वायरिंग के द्वारा। ये पूरे प्रोजेक्ट में 4 इन्वर्टर लगे हुए हैं। अच्छा। इस इन्वर्टर के द्वारा डीसी करंट को एसी करंट में बदला जाता है, और उस करंट को एक कंट्रोल रूम बना रखा है हमने, जिसमें चारों इन्वर्टर की एनर्जी को कलेक्ट कर लिया जाता है। ये सर हमारा कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, जिसमें पूरे प्लांट की जो भी लाइट बनती है वो सारी यहाँ पे एक जगह कलेक्ट की जाती है। और ये हमारा ब्रेकर है, जिसको एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, इसके द्वारा प्लांट में कोई भी फॉल्ट वगैरह आता है तो ये ट्रिप मार जाता है और शट डाउन हो जाता है। उसके इसमें हम प्लांट में कोई भी काम कर सकते हैं या उसका फॉल्ट रिपेयर किया जा सकता है। अच्छा, वो कैसे हमें पता चलेगा कि आज की इतनी बिजली जनरेट होगी, उसका क्या प्रोसेस है? इसके लिए सर एक हमने ऑनलाइन नेट मीटरिंग, मतलब ऑनलाइन एक डिवाइस एप्लीकेशन डिवाइस लगी हुई है, जो हम किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल पे उसको देख सकते हैं, जिसका आईडी पासवर्ड होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ जैसे आज की दिखा दीजिए मुझे, आज की। जैसे अभी मैं बात करूँ तो आज की टोटल इस प्लांट में
4350 यूनिट बन चुके हैं और टोटल 3 रुपए 14 पैसे पर यूनिट के हिसाब से 13,660 रुपए की लाइट बन चुकी है। और अभी बज रहे हैं 4:30। ये 4:30 बजे हुए हैं, अभी जब तक शाम होगी 6 बजे तक की बात करेंगे तो करीब 15,000 से ज्यादा लाइट हो जाएगी। और अभी ये ग्राफ शो कर रहा है ये जो लाइट बनी है किस हिसाब से, और ये जो बीच में जो ये गैप है ये इसका मतलब है कि यहाँ पे लाइट चली गई थी, इस वजह से लाइट कम बनी है। अगर ये कंटिन्यूअसली लाइट रहती तो अब तक ये कम से कम 15,000 से 16,000 रुपए की लाइट अभी तैयार हो जाती। ठीक है, अच्छा यहाँ से बिजली फिर कहाँ जाती है, बाहर जो ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं इस कंट्रोल पैनल से सभी इन्वर्टर्स की कलेक्ट करके ये अंडरग्राउंड केबल्स है। अच्छा ये एक बार बाहर चलते हैं, इस केबल ट्रेंस से बाहर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस ट्रांसफार्मर को की सहायता से 800 वोल्ट को 11 kV स्टेप अप करते हैं जी। और स्टेप अप करने के बाद फिर से हमारा ये HT ब्रेकर लगा हुआ है जिसमें हमारी इस लाइन में कोई भी फॉल्ट आता है तो ये ट्रिप मार जाता है और उससे हमारी सेफ्टी हो जाती है पूरे प्लांट की। ये इधर हमारा बे बनी हुई है, GODO सिस्टम वगैरह ये लगे हुए हैं। अच्छा, और आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, ये हमारा 3 किलोमीटर दूर GSS जिसको हम अपना बिजली घर बोलते हैं वहाँ पे पावर हाउस जहाँ पे बिजली जाके कलेक्ट हो जाती है। यस सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो बिजली घर होता है यानी जो पावर हाउस है जहाँ पर बिजली इकट्ठी होती है इससे जनरेट हुई, क्या कोई निर्धारित दूरी है कि भाई इतनी दूरी पर वो रखना पड़ेगा? सर प्रधानमंत्री कुसुम योजना में एक 5 किलोमीटर के दायरे में GSS होना जरूरी है, 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए और जितना नजदीक होगा उतने प्लांट की कॉस्ट कम होगी, लागत कम आएगी सर लगाने के लिए। 5 किलोमीटर तो ज्यादा से ज्यादा हो गया, कम से कम क्या बिल्कुल इसके बराबर वाले खेत में लगा बिल्कुल लगा सकते हैं सर? इसका जो GSS है वो कितने किलोमीटर दूर लगा है? 3 किलोमीटर दूर है सर। तो यदि वो मैं मान के चल रहा हूँ पास में होता बिल्कुल, कितने रुपए की बचत हो जाती? कम से कम 25 लाख रुपए की और बचत हो सकती थी सिर्फ एक GSS नजदीक होने की वजह से। 25 लाख रुपए की बचत ही नहीं, ट्रांसमिशन लाइन का मेंटेनेंस भी बहुत जीरो कम हो जाता सर, जीरो ही हो जाता है जब ट्रांसमिशन लाइन होती ही नहीं सर। अगर मेंटेनेंस की हम बात करें तो उसका क्या मतलब, महीने का क्या खर्चा आता है या पूरा साल का क्या खर्चा हो सकता है, क्या मेंटेनेंस होता है इसका? मेंटेनेंस की बात करते हैं तो वैसे कोई मेंटेनेंस नहीं आता, बेसिकली एक सिंपल सा मेंटेनेंस इसका क्लीनिंग का होता है। इसके जो सोलर पैनल्स होते हैं इनको वॉशिंग किया जाता है तो उसके लिए एक बंदा रखा जाता है और हमने यहाँ पे एक बंदा जो प्रेशर वाशर मशीन आती है उसके द्वारा स्प्रिंकलर स्प्लिट करके उसको वॉश कर देता है। महीने का लगभग 20,000 रुपए करीब खर्चा होता है जिसके दो बंदे रहते हैं, एक दिन में एक नाइट में, यहाँ उनकी मतलब एक गार्ड सैलरी वगैरह सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ रखा जाता है सर। अच्छा अब तो जैसे गर्मी है इसकी बिजली की जनरेशन कमाल की होगी, अब तो सूरज अच्छा खासा निकलता है, और सर्दियों में या बरसात में जब भी थोड़ा सा मौसम मतलब डाउन होता है सूरज कम निकलता है कितना फ्लक्चुएट हो जाता है इसकी जनरेशन? फ्लक्चुएशन तो होता है, जैसे अभी बात करें हम 5.5 से 6 के बीच में आ रही है तो उस टाइम 4 से 4,500 यूनिट पर डे जनरेशन हो जाता है। हम वैसे भी इसकी ऑल ओवर एवरेज जो रीडिंग लेते हैं या यूनिट काउंट करते हैं तो पूरे साल की हम 45 से 50 लाख वो सारे काट के करते हैं जिसमें सर्दी भी हर मौसम आ जाता है उसमें, सभी सीजन्स होते हैं सर्दी गर्मी बारिश वो सारे डेज इसमें काउंट किए हुए हैं सर। अच्छा सर अगर कोई दूसरा भाई किसान भाई इसको लगवाना चाहे या कोई भी व्यक्ति इसको चाहता है इस योजना का लाभ उठाना, कैसे वो इस योजना का लाभ उठा सकता है, संपर्क किससे करना होगा, कैसे करना होगा वो उसके बारे में बताइए सर। इस प्लांट को लगवाने के लिए ई मित्र पे ऑनलाइन आवेदन करना होता है और ये हमेशा चालू नहीं रहती है, इसके लिए संपर्क करने के लिए इसकी पूरी समस्त जानकारी लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकता है, जो हमारे संपर्क सूत्र हैं 9602800282 पर आप संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आप मतलब किस कंपनी के तहत जुड़े हुए हैं इससे? सर हम EPC कॉन्ट्रैक्टर हैं, इलेक्ट्रिकल एंड सोलर सॉल्यूशंस हमारी कंपनी है। क्या ये राजस्थान में लगता है या ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी लगा सकते हैं? हम ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कंप्लीट विथ मटेरियल एंड ऑफिशियल वर्किंग और मटेरियल प्रोक्यूरमेंट के साथ हम आपकी पूरी मदद करते हैं। अच्छा रामाकांत जी ये जो टावर टाइप लगा हुआ है एक, इसका ये क्या चीज है इसके बारे में बताइए जी। सर ये आप जो देख रहे हैं ये टावर नहीं, इसको हम
LA बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइटिंग अरेस्टर। इसका संबंध आकाशीय जो बिजली होती है, जो थंडर लाइटिंग, उसको केंद्रित करके, यानी कि जब बिजली गिरने की संभावना होती है, गिरती है, तो उस केस में ये बहुत सेफ्टी मेन यूज होता है, उसको कलेक्ट करके ग्राउंड कर देता है। इसकी अर्थिंग की हुई है और ये 107 मीटर रेडियस कवर करता है चारों तरफ से, 107 मीटर दूरी तक ये कवर करता है। ऐसा हमारे प्लांट में दो लाइटिंग अरेस्टर लगे हुए हैं जो पूरे प्लांट का, मतलब एक तरीके से आपका डैमेज बचाता है। जी सर, जी ठीक, आकाशीय बिजली से। जी सर, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि सोलर पैनल किस तरीके से लगता है और ये कुसुम योजना के तहत, प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके तहत इसका क्या खर्चा आता है, वो सारी जानकारी आज हमने आपको दी। जानकारी अगर दी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।